धोखा देकर किया मकान पर कब्जा। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय अमरोहा में शिकायत पत्र लेकर आए मोहल्ला इकबाल नगर जोया थाना डिडौली निवासी शायरा शाहिबा रानी पूछताछ करने पर बताया कि पैच की हम चार बहनें हैं और हमारी एक बहन तायरा ने हमारी माँ जालिसा से अंगूठा लगवा कर मकान अपने नाम करवा लिया है। जब इस साजिश का पता हम तीनों बहनों को चला तो हमने सूचना थाना कोतावली डडौरी पुलिस को दी, लेकिन वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम एएसपी साहब के पास आए हैं और हम चाहते हैं कि मकान का बंटवारा हम सब में बराबर या हमारी माँ को मिल जाए। कोई और मत। क्या नाम है आपका? रानी। बोलो थोड़ा। रानी। रानी कहाँ की रहने वाली? दिल्ली खड़ी की। कौन सा थाना लगता? डिडौली। बताइए आज जो एसपी ऑफिस आई है किस संबंध में? भैन ने जमीन ले ली हमारी, हमारी अम्मी के नाम थी तो वो हम धोखे से नाम करवा लिए। अच्छा। और हम भी हैं तो तीन जने, तीन भैन हम हैं, चौथी वो है, तो उसने धोखे से करवा ली। नहीं पेंसिल बन नहीं है तेरी। हम थे नहीं घर में, कोई भी नहीं था, बस उसे इसे इसे ले गए। तबीयत खराब हो रही थी इसकी। तो इनकी वो सगी बेटी है? हाँ सगी बेटी है वो। तो मतलब कितनी गज जगह थी? क्या था? चार भी से। कितनी? चार। चार भी के? चार गज है। चार गज? हाँ चार बीस। चार बीस मकान है? चार बीस है। हाँ मकान है। तो इसमें आप क्या चाहती हैं? हमें भी हक मिलेगा या तो फिर ना, तो जैसे उन्हें दिया है ये बेनामा फिर है जमीन वापसी। आप तो मतलब आप जो हैं चार बेटी हैं? चार बेटी हैं। ठीक है, तो एक नहीं कर लिया मतलब सब पे कब्जा? एक नहीं कर लिया कब्जा धोखे से। धोखे से। तो आपने मतलब इसमें कौन से थाने में लगती है? डिडौली। तो इसमें डिडौली में शिकायत की आपने? की थी। तो क्या कार्रवाई? सुनवाई न हुई बिल्कुल भी। क्या कह दिया पुलिस? मना कर दी। वहाँ तक गए और वैसे ही आगे लौट के कुछ भी ना कहा, पता नहीं उन्होंने पैसे भरे क्या करा, कुछ हमें कुछ पता नहीं। तो आप बारा बारा हाँ मतलब हम चार बहन हैं, चारों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए? बराबर मिला या तो फिर हमारी माँ को मिला। अच्छा ठीक। हाँ।